जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी, दंडित बंदी का दंड मस्तक आपके श्री चरणों में प्रणाम। खुश रहिए गुरु जी। मेरा एक सवाल है। हाँ। दस साल 3 महीना 2 दिन हो गया आज मुझे जेल में। अच्छा, एक एक दिन याद है आपको। जी जी। मेरा एक ऐसा सवाल है सर कि मैं एक ऐसे बताना चाहता हूँ आपको कि वो डायरेक्ट तो मैं बता नहीं सकता हूँ सर। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं। मुझे मेरी पत्नी ने एक सोने की चेन गिफ्ट में दी थी और हमारे घर के बाजू में एक पड़ोसन थी जी, उसके गले में भी एक सोने की चेन थी। ठीक है। तो एक दिन वो मेरे से बोली, पड़ोसन, हाँ, कि महेश मैं तेरे को एक ये सोने की चेन देना चाहती हूँ। अच्छा। तो मैंने उससे बोला गुरुजी कि मैं नहीं लेना चाहता, ऑलरेडी मेरे पास सोने की चेन है। अच्छा। तो कुछ महीने बीत गए गुरुजी, 2-4 महीने हो गए, वो जबरदस्ती करने नहीं, मैं तुझे सोने की चेन देना चाहती हूँ। मैंने मना करा, फिर उसने आखिरी में माना नहीं उसने कि मैं तो तुझे सोने की चेन दूंगी। तो सर गुरुजी, सोना था वो, तो कहीं ना कहीं मैं भी उसमें गलत था। वो सोने की चेन मुझे दे दी उसने। ठीक है। मैंने उसको ले भी ली। हाँ। उसके बाद गुरुजी 10-11 दिन बाद थाने में जाके उसने FIR करी। कि महेश ने मेरी सोने की चेन चोरी करी। बड़ी चतुर पड़ोसन है फिर आपकी। देखो ऐसा भी होता है। सबक है दुनिया के लिए कि बेईमानी का फ्री का कुछ मत लो। हाँ, फिर क्या हुआ गुरुजी? फिर FIR करी, फिर थाने गया, फिर कोर्ट में केस चला और ये सजा पड़ गई है। भोपाल सेंटर में हूँ अभी। कितने साल की सजा? तो सर जितनी मेरी उम्र नहीं है इतनी सजा है। कितने साल की? 84 वर्ष में जोड़ी जाए तो 84 वर्ष की सजा है। उम्र अभी 33-34 वर्ष की है। अब जो बाकी की सजा बचेगी वो कौन काटेगा? 84 साल की सजा है आपकी? जी। क्यों? अलग और भी केस होंगे फिर आपके ऊपर? नहीं गुरुजी, एक ही केस है, उसमें 8 धारा लगाई गई है। 376 वाली धारा है, 376 ऑलरेडी। आज तक मुझे भी इतना समय हो गया, उस बारे में मुझे भी पता नहीं है कि ये किस प्रकार से लगाएगा। फिर उसमें 120 भी प्लानिंग की धारा। तो आपकी पड़ोसन ने आपने पूछा नहीं कि बहन आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? गुरुजी इतना मौका ही का मिला, जीता जेल में आ गए, अभी तक बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला। तो बाहर जाओगे तो क्या करोगे? बाहर जाएंगे तो गुरुजी कुछ अच्छा करेंगे कि जिससे अपनी एक पहचान बने। पड़ोसन से मिलोगे कि नहीं? गुरुजी पड़ोसन की तो शादी होगी, बच्चे भी हो गए, वो अपनी मस्ती में मगन है। मगर गुरुजी मेरा ये सवाल था कि यदि उसने वो चेन उसकी सोई इच्छा से मुझे दी है और सजा पर मुझे मिली इकल्ले को, तो गलती तो उसकी भी थी ना सर? गलती बिल्कुल थी, उसने दी क्यों? पहली बात तो आपने ली क्यों? अगर कोई जबरदस्ती दे रही है तो फिर क्या करते? अरे जबरदस्ती क्यों लेना भाई, क्यों देना? फिर उसके कारण पूछते क्यों देना है, देने का कारण आपने फिर बताया नहीं कि इन्होंने हमें गिफ्ट किया, ऐसे ही दिया। तो गुरुजी वो सोना अपने मोह हो गया था उससे कि चलो सोने की चेन ले। हाँ, इसलिए हमने शुरू दिन की कथा में, दूसरे दिन की कथा में आपको बताया था ना कि 5 चीजों में कलयुग रहता है। उसमें बेईमानी से कमाया हुआ धन भी है, सोना। राजा परीक्षित ने भी सोने की मुकुट पहनी थी, वो भी जरासंध की थी, इसलिए उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। बेईमानी से कमाया हुआ सोना भी नाश करता है। ये बेईमानी के सोने से बचना चाहिए। सोने में, बेईमानी के सोने में कलयुग का वास होता है, शास्त्र कह रहे हैं इस बात को। गुरुजी और यही सवाल था, तो एक तरफ ये सजा क्यों मिलती है? अब देखो, ये पड़ोसन से उसका आपका पिछला कोई रहा होगा हिसाब, तो उसके चक्कर में आप आए, पिछले जन्म में रही होगी आपकी कोई वो,
कोई आपने पिछले जन्म में उसका बिगाड़ा होगा कुछ, तो उसने इस जन्म में हिसाब चुकाया। जन्म जन्म का संबंध है ना जीव मात्र से। और गुरु जी इसका ये जो इतनी सजा है, इसका जो अब पर ये 84 साल की सजा है आपको? हाँ, उसके आगे शेष प्राकृतिक जीवन काल भी लिखा है सर गुरु जी, 84 वर्ष के बाद में भी शेष प्राकृतिक जीवन काल की तक की सजा है। ये तो बहुत बड़ा है भाई, पहली बार मैंने सुना कितने साल की सजा। और वर्षों में जोड़ा जाए तो 84 वर्ष की सजा है। और उसके आगे लिखा है कि शेष प्राकृतिक जीवन काल तक की सजा है। अभी हाईकोर्ट में केस लंबित है, फाइनल हेयरिंग के लिए लगा हुआ है। चलो भगवान करे ठीक हो जाए। बहुत बड़ा अपराध नहीं है, सोने की चैन का अपराध है। लोग तो कितने सोने की चैन खींचते हैं रोज। अब कोई और जी वो रोज। अच्छा, बलात्कार भी आप पे लगा है जी? वही तो बताना चाहता हूँ मैं सर, वो एक माध्यम बना के मैंने आपसे उस चीज को बोला है। तो उसने बलात्कार का केस भी आप पे लगाया? हाँ वो ही लगाया, 376/76 का केस। अच्छा, लगाया। और वो भी तीन तीन तो ये केस सही है? आपने बलात्कार किया? नहीं सर, बलात्कार नहीं करा मैंने सर, गुरुजी आपको वो बताया उसकी स्व इच्छा से। अच्छा, उसकी इच्छा से आप उसके पास गए जी और उसका शोषण किया जी? तो फिर जब किया है तो फिर उसने लगा दिया, तो फिर शादी? अच्छा, आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी? हाँ गुरुजी मेरी। तो आपकी जब लुगाई थी तो काहे दूसरे के पास गए थे? तुम्हारी मति मारी गई थी, ठीक तो है 84 साल की सजा? तो गुरुजी मैंने तो मना करा था, वो जबरदस्ती माना ही नहीं, तो फिर मैं क्या करता? माना नहीं तो वो तुम्हारे ऊपर थोड़ी आ गई पास में कि तुम गए थे उसके पास कि वो आई थी तुम्हारे पास? दोनों एक दूसरे के पास थे गुरु जी। अरे भगवान, तो आपकी पत्नी के पास क्यों नहीं चले गए तुम? मैंने गुरु जी उनसे बोला था कि ऑलरेडी मेरे पत्नी है उसके। बोलना क्या था आपको? बोलना था मेरी पत्नी है तो बोलना क्या था? है ही पत्नी तो आप कोई आपको ऑफर दे, आप कोई और स्त्री कहे जी आजा मेरे पास तो चले जाओगे? ऐसे तो बहुत बुलाने वाले हैं, सबके पास जाओ फिर। पत्नी इसलिए तो होती है कि 17 जगह मुंह ना मारो, इसलिए तो शादी होती है। अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, पत्नी है, फिर भी आप पड़ोसन के पास गए? गुरु जी उनकी उनकी इच्छा से गए थे ना हम तो, उनने बोला था। तो भाई तो उनकी गलत मुझे ठहराया गया। आप गलत इसलिए हैं क्योंकि आप शादीशुदा हैं, आपका विवाह हो चुका है, फिर भी आपने किसी पराई स्त्री से संबंध रखा, तो सजा तो है। हाँ ये इस चीज को मैं मानता हूँ गुरुजी, गलत हूँ। हाँ। और इस गलती को एक्सपेक्ट भी करता हूँ, मगर सजा एक तरफा क्यों? हाँ उसको भी सजा मिलनी चाहिए कि भाई तुमने भी तो किसी पुरुष का शोषण किया है। हाँ गलती तो उनकी भी है ना। तो तुमने केस नहीं लगाया उस पर? केस कहाँ से, अभी बाहर मौका ही नहीं मिला गुरु। फिर गलती आपकी मानी जाएगी क्योंकि आपका विवाह हो चुका था। और नहीं तो इसलिए कहता हूँ, राम जी के पास सूपनखा भी तो आई थी ऐसे ही, आप बहुत सुंदर हैं हमसे विवाह कर लीजिए, राम जी भी उसके चक्कर में पड़ जाते। तो इसलिए राम जी ने मैसेज दिया आप जैसे लोगों को कि समाज में बहुत सारी स्त्रियां आएंगी जो कहेंगी आ जाइए हमारे पास, हम आपको प्यार करती हैं, ऐसी स्त्रियों के पास कदापि नहीं जाना, विवाह करके अपनी पत्नी जैसी है वो अच्छी है उसी के पास रहना। पराई पर नारी पैनी छुरी, पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई औरत से बच के रहना रे बाबा, लोक परलोक दोनों बिगड़ता है। रावण जैसों का सत्यानाश हो गया, रावण जैसों का पराई स्त्री के कारण क्या हुआ जी? सर्वनाश हुआ जी। अब आपने भी वही गलती कर दी गुरु जी, हम तो तुच्छ इंसान है, छोटे से गलती तो होगी, तो फिर सजा भी तो है। चलो भगवान आपको हाई कोर्ट में आपका केस है, जल्दी आप उससे मुक्त हो और सही हो, आप जल्दी से मुक्त हो जाएं, रिहाई हो, यही प्रार्थना।